करते हैं यूपी की ओर। आपको बता दें कि 64 घंटे बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल हुई संपन्न। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ऊर्जा मंत्री ने बैठक में जल्द ही मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा व चेयरमैन एम देवराज से वार्ता होने के बाद रविवार दोपहर संग्रह समिति हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। संग्रह समिति और कॉरपोरेशन सोमवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रहेगा। हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की सभी मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है। सरकार पहले भी वार्ता के लिए तैयार थी और आज की वार्ता सकारात्मक रही। सभी कर्मचारियों से अपील है कि तत्काल काम पर लौट जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को विधिक तरीके से वापस लिया जाएगा। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं देना चाहते। विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पड़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं, उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपी पीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है